हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट दिस टू सेट दिस सेटिस्फाइज दिस रिलेशन। तो आपके पास यहाँ पर दो सेट हैं। पहले सेट में ए बी सी डी है और दूसरे सेट में 1 2 3 4 5 है। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कितने वन वन फंक्शन ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। तो पहले हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी टोटल पॉसिबल टोटल वन वन फंक्शन कितने होंगे, देखो आपको पता है ये जो चार यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, उनको वन वन होने के लिए एट ए टाइम यहाँ के चार एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया, एक समय में ये जो पांच एलिमेंट्स हैं इनमें से चार एलिमेंट्स ही यहां के चार एलिमेंट्स के साथ रिलेशन फॉर्म कर पाएंगे। तो इन पांचों में से एट ए टाइम आपको कितने चाहिए होंगे, चार। तो इन पांच में से अगर मुझे चार चाहिए तो 5 कॉम्बिनेशन 4 ही यूज करूंगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो हमने इनमें से किसी चार को सेलेक्ट कर दिया। अब उन चार को यहां के चार के साथ आपको नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्म करने हैं, या यूं कहें कि ये 1 2 3 4 5 एक तरह की सीट्स हैं, ठीक है। ये चेयर्स हैं जिनके ऊपर 1 2 3 4 लिखा है और ये ए बी सी डी इसमें बैठना चाहते हैं। तो पहले हमें इन पांच चेयर में से चार चेयर ढूंढनी पड़ेगी। तो वो ढूंढ ली। अब इन चार चेयर्स में जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, उनमें इन चार आदमियों को बिठाने के नंबर ऑफ वेज होंगे 4 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। अब इसको आप टोटल सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल जो किसके बराबर आता है, 120 के। ये चीज हो गई। अब इतने सारे रिलेशंस में हमें सिर्फ वही रिलेशन ढूंढने हैं जो इस इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये रिलेशन मैं फिर से लिख देता हूं। क्या लिखा है जरा एक बार आप देख लेंगे इसको, मैं नीचे यहां पर लिखता हूं एफ ए ट्वाइस ऑफ एफ बी। लिखा है एफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ एफ बी माइनस एफ सी इक्वल टू एफ डी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ एफ बी इक्वल टू एफ सी प्लस एफ डी। ये समझ में आया। अब ध्यान रखना इसमें एफ ए एफ बी एफ सी और एफ डी क्या है, ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। तो ये पहले कंफर्म कर लेना एफ ए एफ बी एफ सी और एफ डी के बारे में आपको पता हो पहले से। तो एफ ए जो है 1 से लेकर 5 तक कोई भी नंबर एक्सेप्ट कर सकता है, ये भी और ये भी। पर आपको ऐसी वैल्यूज यहां पर रखनी है जो इस पूरी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आप भी ट्राई करके देखिए, मैनुअली ट्राई करना है इसको। मैं ऐसा करता हूं यहां 5 लिखता हूं, यहां 3 लिखता हूं, ठीक हो गया। इसको 5 और इसको 3 लेके देखता हूं तो 8 हो गया। तो मुझे यहां पर भी 8 बनाना है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 और ये हो गया आपका यहां 4। तो एक तरीका तो ये हो गया आपका, बन गया ना। तो एफ ए की वैल्यू 4, एफ बी की वैल्यू 2, एफ सी की वैल्यू 5 और एफ डी की वैल्यू 3 हो जाए तो आपका ये 1-1 रिलेशन भी हो जाएगा और साथ ही साथ ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो पहला नंबर आपको कौन सा मिल गया, 1 3 5 3, पहला रिलेशन ये मिल गया हमारा। मतलब ए बी सी डी का 4 3 5, नहीं उल्टा कर दिया, या 2 है ना, बी पे 2 है, 2 है, 4 2 5 3 के साथ रिलेशन हो गया। एक रिलेशन और बनेगा, इसी पे ही बनेगा अगर मैं इन दोनों की जगह को बदल दूं। यहां 3 कर देता हूं, यहां 5 कर देता हूं, बाकी सब चीज एज इट इज रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और बन गया मेरे पास 4 2 3 5, क्लियर हो गया। अब और बनाना है हमने, तो कोशिश करते हैं यहां पर इस बार 1 रखते हैं प्लस यहां पर 3 रखते हैं। 3 प्लस 2 हो गया 6 प्लस 1 हो गया 7 और यहां पर भी हम 7 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, एक 2 रख लेते हैं और एक 5 रख लेते हैं। तो अब आप देखिए बन गया हमारे पास, क्या बना, 1 3 2 5 बन गया ना। मतलब ए 1 से रिलेट होगा, बी 3 का होगा, सी का 2 के साथ रिलेशन होगा और डी का 5 के साथ रिलेशन होगा। एक और बनेगा, इसी पे ही बनेगा, बस आप 2 और 5 को इंटरचेंज कर दो तो ये 5 और यहां 2 आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया 1 3 5 और 2।
एक और बनने वाला है, यहां 5 रख लेते हैं और यहां क्या रख लेते हैं 1, तब भी 7 ही बन रहा है। और यहां पर 4 रख लेते हैं, यहां पर 3 रख लेते हैं। हम कर क्या रहे हैं, इस इनकी जगह वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो नीचे इसे दिखाते जा रहा हूं, तो रिलेशन क्या बन गया आपका, 5 1 4 3। और एक बार इन दोनों को इंटरचेंज करने से भी बनेगा, तो 5 1 3 4। इस तरीके से आपको चेक करते जाना है कितने पॉसिबल रिलेशंस यहां पर बन सकते हैं। तो ये आपके पास 6 वो पॉसिबल रिलेशंस हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा था। तो अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी में। टोटल रिलेशन तो नीचे हो गया 120, और 6 रिलेशन ऐसे हैं, 1-1 रिलेशंस जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो ये 1/20 आ गया हमारे पास, तो जो डी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहां पर